गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के एक और ये देखिए मैं गाड़ी को ठंडा कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं व्हील आर्कस लगवाने। ये एटलीस्ट मैंने जनवरी में ऑर्डर किया था, अब जाके आया है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टेको व्हील्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेको व्हील्स पे। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है व्हील आर्कस के बारे में। जी हाँ, ये रही मेरी इको स्पोर्ट और मैंने इस पे इंस्टॉल कराए हैं व्हील आर्कस। एक बार व्यू देखिए इसका, लग अच्छा रहा है लेकिन दिक्कत क्या है, गैप्स आर क्लियरली विजिबल। यहाँ पे भी गैप क्लियरली विजिबल है, इधर नीचे भी फेंडर पूरा दिख रहा है और इधर तो भाई पूछो मत, पूरा आधे इंच का गैप है। गॉड नोस किस तरह से ये इको स्पोर्ट के लिए बनी हुई है। पीछे का भी विजिबल है लेकिन फिर भी आगे के मुकाबले पीछे का बिल्कुल ठीक पेस्ट हुआ है। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ, दूसरी साइड भी सेम, पीछे के व्हील पर बिल्कुल सही लगे हुए हैं लेकिन आगे आप देखेंगे सेम गैप यहाँ भी। तो अब मैं बताता हूँ इसके लिए उन्होंने चार्ज कितना किया है। इसके लिए उन्होंने मेरे से लिए हैं 7,000 रुपये। जी हाँ बोला उन्होंने, 6,000 रुपये कॉस्टिंग है, 10,000 लेबर। एक बात मेरे को समझ नहीं आई, इस पर टेपिंग थी 3M की जो कि उतार के लगाना था बिल्कुल, उसके लिए 1,000 चार्ज करना कहीं से भी फिजिबल नहीं है। गॉड नोस इतना महंगा क्यों है, 1,000 रुपीज़ टेपिंग हटा के ये फिक्स करने का, ऊपर से भी अगर आपको ढंग से काम ना लगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है FASS से लगवाने का। आप देखिए कल रात ही मैंने कंप्लेंट डाला है फोर्ड कस्टमर केयर पे, उनका रिप्लाई आया कि हम डीलर से बात करके आपको रिवर्ट करेंगे। देखते हैं क्या रिवर्ट करते हैं। वैसे एक तरह से मेरा फेंडर तो अब सेफ है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये देखिए गैप कितना ज़्यादा है, ये नीचे वाला गैप तो मेरे को समझ नहीं आया। उन्होंने बोला ब्लैक टेपिंग कर दो, भाई ब्लैक टेपिंग ही करना था फिर FASS से क्यों लिया, बाहर से लगवा के ब्लैक टेपिंग कर सकते थे। देखिए पीछे का फिर भी वाला और बेटर है, आगे में बहुत कमी है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं ये देखिए, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। उसके बाद भी डीलरशिप बोलती है कि नहीं बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही होता है, जबकि मैंने और लोगों के गाड़ियों में लगी हुई व्हील आर्कस देखे। कल रात ही मेरी फेसबुक पे जो इको स्पोर्ट ओनर ग्रुप है उस पर चैट पे डाला था तो किसी ने अपनी फ़ोटोज़ भेजी, उस पर बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन पिक्सेशन है। तो उस बात से मैं थोड़ा सा नाराज़ होकर मैंने तुरंत कस्टमर केयर फोन पे ये किया है मेल, देखिए क्या रिप्लाई आता है। अभी तक के लिए इतना ही, कोई रिप्लाई आएगा या कोई अपडेट होगा क्या रेजोल्यूशन देते हैं तो मैं आपको एक बार ज़रूर कंफर्म करूँगा। ऊपर से मैं एक बार बता दूँ ये मेरे को रिसीव हुए हैं 2.5 महीने के बाद। जी हाँ, 7,000 रुपये एडवांस में देने के 2.5 महीने के बाद ज़बरदस्ती बोल बोल के तब जाके मेरे को मिला है। आप कभी भी FASS पे एडवांस में पैसा पूरा कभी ना दें, नहीं तो आप उनके पीछे पड़ोगे, वो आपके पीछे कभी नहीं। इस बात का खास ख्याल रखें। थैंक यू।